लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट समथिंग न्यू इन फिजिक्स कभी भी आपको अगर नया कुछ सीखना है तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या आपको प्रीवियस टॉपिक पूरा अच्छे से याद है तो फटाफट बच्चा लोग प्रीवियस वाले टॉपिक को एक बार रिकॉल करते हैं एंड फिजिक्स को फील करते हैं ट्रस्ट बी बच्चा लोग इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाई क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट डे विल कम इन यू लाइफ वन यू रिलाइज दैट यू आर एन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट एंड ये जो बाबा एस एस पी है वो आपको डेफिनेटली फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हंड्रेड एंड वन परसेंट करवाएगा बशरते मेरे सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से फॉलो करें और वीडियोज़ को कभी भी बीच में से मिस ना करें पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बच्चा लोग ये एक सबसे सुंदर तरीका होता है फिजिक्स में बहुत अच्छा करने का हमें मार्क्स का पीछा करने की जरूरत नहीं है ना ही तो हमें रट्टा मारने की जरूरत है हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस का पीछा करने की बिकॉज एक बार अगर आपने एक्सीलेंस का पीछा करना स्टार्ट किया ना तो देखिए मार्क्स और सब कुछ आपका पीछा करते करते खुद ही आएंगे ऑल राइट सो लेट स्टार्ट द क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस वन अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो वहां पर मैंने आपको सबसे पहले यह बताया था कि फ्लूड क्या होता है फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में थोड़ी देर आपसे चर्चा की थी मैंने उसके बाद मैंने सीधा आ गया था कि इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले थे करने वाले हैं जैसे कि डेंसिटी डेंसिटी में वेरिएशन किसका किसका होता है कि उस पर प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका फॉर्मूला आपको बताया था टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका फॉर्मूला आपको बताया था उसके बाद सीधा हमने इनकाउंटर करा था प्रेशर को प्रेशर के समझने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे पास्कल स्लो पे और पास्कल स्लो का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखा था जिसमें बाबा एसएसपी अपनी किया सल्टोस को मॉन्टू के थ्रू उठवा रहे थे ई मॉन्टू ई एंड उर द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा लो जब भी लाइफ भी में स्ट्रेस आए ना कोई भी प्रॉब्लम आए डू लाइक दिस रिली मेक यू फील वेरी हैप्पी हंड्रेड एंड वन परसेंट दीज आर दिंग्स जो कि आप मुझे सीखोगे धीरे धीरे फिजिक्स के अलावा ओके okay, तो यह चीजें हमारी हो गई थी सर कि हमने वो प्लेटफॉर्म पर उठा करके देख लिया था वेल well, आज का की पॉइंट क्या है तो आज के की, की पॉइंट में सबसे पहले की पॉइंट मतलब की पॉइंट का मतलब होता है कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ तो उसका मैं एक बार आपको ब्यौरा दे देता हूं फ्लूड मैकेनिक्स ठीक है बच्चा लोग कोई भी लेक्चर लेक्चर नंबर टू स्कूल में लिख नहीं रहा अब आज के क्लास का जो की पॉइंट है बच्चा लोग आज के क्लास का की पॉइंट है बच्चा लोग वो है प्रेशर वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन मैं बात करूं आईआईटी आई नीट की यानी कि आपका जी मेंस एडवांस या कोई भी कंपटीशन उसमें मेडिकल वाला भी जोड़ लो तो प्रेशर वेरिएशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कंडीशंस है मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस हमारे उस आ, आ, कहानी के अंदर जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कि अगर एक बकेट के अंदर पानी भर दो उस पानी में पानी से भरे हुए बकेट को लेकर के चलाओ ट्र तो प्रेशर डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें होगा उस बकेट जिसमें पानी भरा हुआ है उसको नीचे लेके जाओ ट्रर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होगा ऊपर लेके जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होगा यही आज के इस क्लास में सीखना है कि हाइक के साथ वेरिएशन कितना एक्सेलरेशन के साथ वेरिएशन कितना रोटेशन के साथ वेरिएशन कितना बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के क्लास में आप सीखोगे तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेशर वेरिएशन में सबसे पहला फंडा वो ये है कि प्रेशर इक्वेशन फॉर फ्लूइड कॉलम फॉर फ्लूड कॉलम बच्चा अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो इस चैनल पर अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपकी किताबों में यह टॉपिक इस तरह से लिखा हुआ आता है कि प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूड कॉलम वॉट डू यू मीन बाई फ्लूड कॉलम फ्लूड कॉलम का मतलब है जैसे ग्लास में आपने पानी भरा तो वो एक स्तंभ बना देता है कॉलम तो उसके डिफरेंट 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 पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होता है उस चीज को हम बोलते हैं फ्लूड कॉलम यानी कि उस फ्लूड से बनने वाले तो, के के तो दोनों तरीके से आप समझ के रखिए कहीं पर भी हाइट दिया है फ्लूड का कॉलम दे रखी है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा अब वो क्या होगा लेट्स डिस्कस बट अच्छा मुझे अपना कैमरा भी चेक करना होता है बट के साथ साथ हाँ भगवान भला करे हमारा कैमरा चल रहा है ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है मैं शूट करते रहता हूँ और ये चला जाता है ठीक है तो अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है बट अभी सवाल ये उठता है मन में मन मंदिर में ये सवाल ज़रूर बनना चाहिए कि सर ऐसा क्यों कि हर पॉइंट पे फ्लूड का प्रेशर अलग अलग होता है हाइट के साथ एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ गोताखोरी किए हो हाँ सर कुछ लोगों ने किया होगा कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा फिर भी इमेजिन करें इमेजिनेशन में बड़ी ताकत होती है बच्चा लोग इमेजिनेशन करोगे तो फिजिक्स आपके नज़दीक पहुँच जाएगी आप इमेजिन करो कि आप किसी तालाब में या किसी जगह में आप आ, स्विमिंग करने गए हो जब आप पानी के ज्यादा अंदर जाने लगते हो ना डेफ्त में गहराई में फील करना इस बात को ट्राई टू फील इट जब आप पानी के अंदर बहुत ज्यादा डेफ्थ में जाते हो तो आपकी बॉडी पे प्रेशर ज्यादा लगता है बच्चा लोग प्रेशर डिफरेंट होता है बच्चा लोग ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को फिजिक्स आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देगी कि हाइट के साथ प्रेशर में वेरिएशन का इक्वेशन क्या है लेट्स फाइंड आउट हम यहां पर एक काम करते हैं बच्चा लोग कि हम एक कंटेनर बना देते हैं ये मस्त आपकी एक सुंदर सी कंटेनर बना देते हैं ठीक है और ये कंटेनर में मस्त लबालब पानी भरा हुआ है कैसा भरा पानी भरा पानी भरा हुआ है बच्चा लोग मस्त सुंदर सा लवा लब

दूसरी खास बात कि ये जो फ्लूड एलिमेंट का ये थिकनेस डिवाई है ये टॉप सरफेस से ना बच्चा वाई जितने डेफ्त में है ये फ्री सरफेस से वाई जितने डेफ्त में है फ्री सरफेस से वाई जितने डेफ्त में लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पानी भरा हुआ है बांध लेंगे हम लास्ट में एच क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा बॉस ओके तो हमने क्या क्या, क्या किया कंटेनर लिया कंटेनर में पानी भरा पानी के एक छोटे से फ्लूड एलिमेंट के बारे में अब हम सोच रहे हैं अब क्योंकि टॉपिक ये है कि प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू फ्लूड कॉलम फॉर द फ्लूड कॉलम और प्रेशर वेरिएशन इन द डेप्थ ऑफ द फ्लूड यानी कि हाइट के साथ गहराई के साथ या फ्लूड के कॉलम के साथ स्तंभ के साथ प्रेशर में क्या वेरिएशन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर प्रेशर कुछ और होगा और ये जो बॉटम वाला पोर्शन है वहां पर भी प्रेशर कुछ और होगा कहां पर क्या होगा वो हमें नहीं पता बट ये तो तय है बच्चा लोग कि प्रेशर डिफरेंट होगा क्योंकि ये हाइट अलग है और ये हाइट क्या है अलग है ओ तो अब हम एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं बच्चा लोग कि यहां पर जो प्रेशर है इस वाले सरफेस पे इस वाले सरफेस पे मान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो पी है प्रेशर पी है तो इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो पीए हो जाएगा और वो ऑब्वियसली बॉडी की तरफ ही आएगा तो पीए हमने मान लिया बट क्या नीचे भी प्रेशर पी होगा ना यहां पर प्रेशर में चेंजेस आएगा और ये जो प्रेशर में चेंज होगा वो पी प्लस होगा। पी होगा वीन बाई डी पी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द प्रेशर जैसे मैं ये कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी कि अगर यहां पर सेवन पासकल है कहां पे? टॉप मोस्ट सरफेस पे अगर सेवन पासकल है तो नीचे सेवन पासकल नहीं हो सकता हमने इसको मान लिया सेवन पॉइंट टू पासकल नाउ दैट जीरो पॉइंट टू बेसिकली योर डीपी डीपी मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर डिफरेंट सर्फेस डिफरेंट फोर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रेशर हमने मान लिया पी ए एंड पी प्लस डी पी कुछ लोगों को ये चीज़ भी तकलीफ आनी चाहिए और आपके मन में ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर आपको कैसे पता कि नीचे पी प्लस डी पी होगा सर मैं तो ऊपर मानूंगा तो मैं कहता हूँ बच्चा आप ऊपर मान के भी कर सकते हो मैंने क्या बोला प्लीज इस चीज़ को समझिए अगर आप पी प्लस डी पी यहाँ मान के करते हो ना तो आपका जो प्रेशर का इक्वेशन आएगा अगर वो पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना कि आपने ऊपर जो प्रेशर ज्यादा माना था वो सही है बट अगर आपने ऊपर प्रेशर ज्यादा माना था पी प्लस डी पी और आपका आंसर नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपने जहां प्रेशर ज्यादा माना है वहां पर ज्यादा नहीं है प्रेशर ज्यादा कहां पर है नीचे है गॉट माई पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हो जैसे मैंने कहा कि ये एक फ्लूड का कॉलम है यहां पर प्रेशर है पांच पास्कल और यहाँ पर प्रेशर है छः पासकल मैंने इस सरफेस पे ज़्यादा माना हम डेरिवेशन करेंगे और जो फार्मूला ऑफ प्रेशर आएगा चेंज इन प्रेशर का फार्मूला आएगा अगर वो पॉजिटिव आ गया मतलब इस सरफेस पे ज़्यादा ही है सिक्स ही है बट अगर खुदा ने कहा खासता अगर हमारा प्रेशर का इक्वेशन या चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे कि हमने यहाँ ज़्यादा माना था वो गलत था ज़्यादा वास्तव में यहाँ था दिस इज ऑल अबाउट इन फिजिक्स दिस वॉट एक्चुअली हैपन्स विद द एजम्पन जैसे हम न्यूटन स्लॉप मोशन के अंदर भी करते कर, हैं कि हम उधर मान लेते हैं फोर्स बट नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा एजम्पन जो था वो गलत है उसी तरह से यहाँ पर तो मैंने मान लिया अब अगर मैं सही हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा अगर मैं गलत हूँ तो आंसर देख लेंगे जो भी होगा चलिए ये तो बात हो गई अब एक और बात अगर आपने बहुत ध्यान से समझे बच्चा तो इस कंटेनर ये फ्लूड एलिमेंट का जो मास है अगर वो डी है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा डी एम इंटू जी चमकीला चमकीला का मतलब समझ में आया क्या चमकीला जब भी बोलो तो समझ जाना समझ में आया क्या बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे धीरे धीरे जान जाओगे जो भी बच्चे जानते होंगे कमेंट जरूर करके बताना चमकीला सुना है ना बाबा एस चलो ठीक है तो डी एम जी पी प्लस डी पी इंटू एंड पी इंटू ए अब अगर मैं बहुत ध्यान से समझूं तो मुझे एक और चीज़ समझ में आती है मेरे लाल बाल गोपाल सिया चंद्र की जय हो कि अगर ये इक्वलिब्रियम है सीधी सी बात है इक्वलिब्रियम है तो नीचे की तरफ के फोर्स इज इक्वल टू तो ऊपर की तरफ के फोर्स तो वी शुड राइट अपवर्ड साइड फोर्स इज इक्वल टू तो डाउनवर्ड साइड फोर्स बच्चा लोग ऊपर की तरफ एकमात्र फोर्स है जिसका नाम है पी प्लस डी पी इन टू ए डाउनवर्ड साइड के फोर्स हैं पी ए प्लस में डी एम जी कई बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर पंडित भी है मास्टर साइको भी है पर सच बताऊ तो फिजिक्स पढ़ाने के भौतिक विज्ञान के अच्छे शिक्षक जो होते हैं वो इसी तरह के साइको होते हैं और उनके जो बच्चा पार्टी होते हैं ट्रू एसे होते हैं वो भी साइको ही होते हैं साइको इलेक्ट्रॉन बनने की जरूरत है बच्चा अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो बी अ साइको इलेक्ट्रॉन बिकॉज साइको इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके अंदर ही ताकत होती है उस लास्ट ऑर्बिट से दबा करके बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बनने का और करेंट बनाने का वैसे ही जीवन में अगर तुम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हो तो ही आप कुछ कर सकते हो और तो ही आप साइको इलेक्ट्रॉन हो तो ही आप करंट बना सकते हो और तो ही आप अपना जीवन बना सकते हो इसी बात पे कमेंट जरूर कर देना ठीक है चलिए तो ये हो गया पीए प्लस जी क्या हो गया चलो पीए प्लस डीएम जी ओ हो पी ए प्लस डी एम जी गजब गजब सर जी गजब गजब सर जी अब देख अब देख अब देख मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको ब्रैकेट को ओपन करते हैं शांति से क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी ए प्लस डी पी इन एरिया हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी ए प्लस बच्चा ये देख डी एम है क्या हम डी एम के जगह पर डेंसिटी मल्टीप्लाई पर वॉल्यूम लिख सकते हैं हाँ डेंसिटी मान लो रो है वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकते हैं सोच इसका वॉल्यूम क्या होगा अगर इसकी एरिया ए है और ये वाई है, तो ये हो जाएगा ए गजब। अब देख बच्चा कुछ कटीला क्या कटीला क्या कटिला पी ए से पी ए कटीला क्या बचीला देख ए डीपीज ए जी एंड देन dy, कुछ और कटिला एरिया से एरिया भी कटिला तो ये आ गया डी पी इज इक्वल टू रो जी एंड देन डीवाई ओ हो ऑलमोस्ट हम अपने आंसर पे हैं देख इस चीज को हम लिख सकते हैं डीपी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू रोजी एंड देन इंटीग्रेशन डीवाई नाउ थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट बच्चा थिंक अबाउट इट क्या ये डीवाई का मतलब चेंज इन प्रेशर यस क्या ये dy का मतलब चेंज इन हाइट हाँ सोचिए मेरा आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव पॉजिटिव है भाई कहा नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो मैं गहराई में जा रहा था वही और यहां पर पहुंचा तो यहां पर मैंने प्रेशर ज्यादा माना है और वो सत्य भी है अगर यही वाला पी प्लस डीपी मैं यहां मानता ना तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाता पता चल भी रहा इक्वेशन देख करके और तब नेगेटिव आता वो ये बात को बताता कि अगर आप नीचे जा रहे हो और आपने ऊपर की तरफ माना है पी प्लस तो आपका एजम्पन गलत है प्रेशर नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा इक्वेशन हमें क्या बता रहा है यह डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि डेफ्त के साथ प्रेशर बढ़ेगा जब हाइट बढ़ेगी डेफ्त बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा बच्चा लो यही चीज हमें बता रहा है ये इक्वेशन अब थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं इसके अंदर थोड़ी और डिफाइन करते हैं इसको आज हमारे लाल बाल गोपाल सी पर रामचंद्र की जय हो देख ध्यान से क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं जीरो से लेकर के एच हा कैसे ज़ीरो लिखा जीरो कब होगा अगर यही फ्लुइड एलिमेंट यहाँ पर है तो वाई तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है यार जीरो लेकिन जब ये फ्लुइड एलिमेंट यहाँ कहीं पर है तो उस पर एटमोसफेयर का प्रेशर लग रहा है पी इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पी और जैसे ही हाइट एच पर होगा तो यहाँ कहीं पर प्रेशर कुछ भी होगा तो मैंने माना पी तो ये मेरा आंसर निकल के आया पी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एंड देन एच ये देख बच्चा पी बराबर में पी ए प्लस में रो जी एच इस चीज़ को ध्यान से समझिए ये पी क्या है है प्रेशर यहां कहीं का एच हाइट पे पी ए क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको मैंने कल समझाया भी था कि ये जो पी है ना पी ए प्लस रूजीएच एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो ये आपका एप्सोलेट प्रेशर है और ये आपका गॉज प्रेशर है क्या ये एक्स्ट्रा प्रेशर है पी माइनस पी एंसर है और यही एक्स्ट्रा प्रेशर हाइट एच में रहता है बट बच्चे इस क्वेश्चन को करते समय जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज होते हैं हमारा आंसर हो चुका है वी हैव टू सिंपली रिमेंबर लाइक दिस पी इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच बट इसे इस तरह से मत रटे इसे समझने का एक और अच्छा तरीका बताता हूं जिससे कि आपके आई ए टीजे के जो मींस के लेवल के या एडवांस लेवल के प्रॉब्लम होंगे बहुत आसान होंगे देखो कैसे समझाता हूँ बहुत ध्यान से समझना जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है मान लीजिए कि ये कंटेनर है और यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी ये हाइट है टू मीटर का आपसे बोला जाए कि बताइए भाई साहब पी ए माइनस पीबीज इक्वल टू क्या तो बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि सर आपने तो रोजिए बता दिया है बट ये नहीं सला समझ में आता कि प्लस कब रखे कि सला माइनस कब रखे सर यही नहीं समझ में आता ओ अक्कल लगाने की जरूरत है आप ये देखो कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रेशर घटली कि बढ़ली प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंसर है सर प्रेशर इंक्रीजेस ऊपर से नीचे आ रहे है ना ऊपर से नीचे आ रहे है ना प्रेशर बढ़ रहा है ना तो यहां का हाई प्रेशर है समझ लो एक बार एक बार समझ लो तो मजा आ जाएगा और ऊपर लो प्रेशर है जब नीचे हाई प्रेशर है और ऊपर लो प्रेशर है इसका मतलब है बी की वैल्यू ज्यादा होगी और ए की वैल्यू कब होगी इसका मतलब हंड्रेड परसेंट है ओ हो 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 सर जी आनंद की अनुभूति आ गई सोच के देख इसी क्वेश्चन में बोलता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वी माइनस पी ए अरे गजब क्या अभी भी बी की वैल्यू ज्यादा है हाँ अरे ऊपर से नीचे ही तो देखोगे ना यार फ्लूड कॉलम इसी को तो बोलोगे ना बच्चा चलो कंटेनर ऐसा ही होगा ना तो बॉटम पे है ना हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा डेफ्थ में प्रेशर बढ़ता है बस ऐसे याद रखो डेफ के साथ प्रेशर बढ़ेगा तो इधर का प्रेशर ज्यादा उधर का प्रेशर कम है अगर आपको माइनस बोला है तो यही आंसर आपका हो जाएगा एच क्या ठीक अब दूसरा एक तरीका ये तो पहला तरीका हो गया क्या आप हाई प्रेशर लो प्रेशर मार्किंग करके आंसर लिखो दूसरा एक तरीका सपोज मुझे बी पे प्रेशर चाहिए बी पे क्या चाहिए प्रेशर चाहिए तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे ए पॉइंट का प्रेशर पी ए फिर नीचे जा रहे हो नीचे जा रहे हो तो आपके लिए नीचे जाने का मतलब कि हाइट में बढ़ोतरी हाइट में बढ़ोतरी का मतलब है डेफ्थ में बढ़ोतरी डेफ्थ में बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट का मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर प्लस रोजी एच लिखेंगे बस जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन पर आकर यहां पर पी वी कर दो गेम ओवर देखो बच्चा ये इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसा ही है सिंपल है कोई भी कॉलम वाला फ्लूड है तो आपको जिस पॉइंट पर जाना है ना उस पॉइंट से पहले चलना स्टार्ट करें जितने भी पॉइंट्स दिए वहाँ से चलना स्टार्ट करें जस्ट लाइक like मैं ए से स्टार्ट किया ए पॉइंट का प्रेशर पी ए मान लिया जो कि पी नॉट होगा एटमॉस्फेरिक का प्रेशर या पी ए फिर मैं नीचे आ रहा हूं तो नीचे आ रहा तो मेरा हाइट बढ़ रहा है यार हाइट बढ़ रहा है इसलिए प्लस रोजिए इसी को मैं ऐसा भी कर सकता था कि सर मुझे ए पॉइंट का प्रेशर चाहिए तो आप ऐसे चलाओ ना चल देता हूँ उसमें क्या है देख अगर आप ऐसे चलोगे तो बी पॉइंट का प्रेशर पी बी फिर आप ऊपर जा रहे हो ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर पी प्लस डी पी से पी ए हो रहा है मतलब प्रेशर घट रहा है प्रेशर घट रहा है बच्चा इसलिए माइनस रो जी एच कहाँ पहुँच गए ए पॉइंट पे पी ए डैट ये देखो पी ए बराबर आपका हो जाएगा पी बी माइनस रोजी एच खत्म सिंपल हमें क्या याद रखना है अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर घटेगा नीचे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा यस और नो बच्चा पार्टी चमचम चमकीला चम मेरे लाल बाल गोपाल सिंपल है किसी भी फ्लूड कॉलम के अंदर अगर मुझे दो पॉइंट दिए हैं तो मैं उसका प्रेशर आसानी से निकाल सकता हूं ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और मेरे पढ़ाने का यही एकमात्र मकसद है बच्चा लोग कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पनपा दूं जो कि मैं हर जगह पर काम कर रहा हूं और यहां पर भी आकर के आपके साथ काम कर रहा हूं उतार लो फिर इसके प्रॉब्लम्स भी लेता हूं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर और हमें अभी चर्चा करनी है बहुत सारी चीजें चर्चा करनी है रुको उतारने से पहले एक और बात समझता है अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं P वर्सेस एच का प्रेशर वर्सेस हाइट का आपको नहीं लगता कि ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा है अगर मैं y पे मैंने प्रेशर मान लिया तो ये मेरा y है और h ये मेरा x है तो ये मेरा स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया अच्छा स्लोप देखिए पॉजिटिव है पॉजिटिव कभी भी होता है ग्राफ ऊपर जाता है और ये जो है मेरा कहा गया सी 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 दैट इज़ पी ए तो ये वैल्यू हो गई पी ए और ये ग्राफ आएगा ख़त्म ये क्या आएगा ग्राफ आएगा चलिए बच्चा तो ये ग्राफ भी हो गई बात ठीक है अब उतार लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को मन मंदिर में बसाओ जीवन काल के अंत समय तक बच्चा लो उतारिए तारी माटी में मा, मर जाऊं तारी माटी में मा। बच्चा लोग दिस इज द गुजराती वर्जन ऑफ तेरी मिट्टी में मर जाऊं व्हाट अ सॉन्ग इट इज है ना चलो बच्चा तो ये हो गई हमारी बातें कि सर मास्टर ये हमें समझ में आ गया कि हाइट के साथ प्रेशर में वेरिएशन कैसा होता है डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता है ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है अब आगे की कहानी को ध्यान से सुने और भी बहुत सारे पॉइंट हैं किस तरह से जे मेन्स के अंदर और एडवांस के अंदर प्रॉब्लम आते हैं उन प्रॉब्लम को डील करने की ताकत भी बाबा एस एस पी आपको आज के क्लास में सिखाएंगे तो चलिए देखते हैं आगे कुछ और बातें करते हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं आनंद की अनुभूति के साथ हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं बच्चों चलो देखो अब बात को ध्यान से समझें ये बात आ जाती है नोट्स की इम्पोर्टेंट नोट इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत दिखेंगे और बच्चों के प्राण भी निकलते हैं ऐसे क्वेश्चन देख करके बट आज की क्लास के अंदर आपके प्राण नहीं निकलेंगे आप ऐसे क्वेश्चन के प्राण निकाल देंगे बच्चों अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर है बहुत बड़ा सुंदर कंटेनर बना दिया मैंने यार वाह इस कंटेनर के अंदर ना हम दो डिफरेंट लिक्विड्स भर देते हैं जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कोई लिक्विड है मान लो कि मरकरी है और क्या मरकरी मान लेते हैं उसमें क्या है तो और बच्चा लोग इसके बाद जो ये आप नीला नीला देखोगे या ग्रीन ग्रीन जो भी देखोगे ये है आपका पानी ठीक तो पानी और मरकरी वाला एक मिक्सर यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसको लिम्ब बोलते हैं लिम्ब कॉलम वन या कॉलम टू लिम्ब भी बोल सकते हो इस तरह की एक सिचुएशन है इसकी डेंसिटी कुछ और होगी और पानी की डेंसिटी कुछ और होगी मैं इसका एक हाइट मान लेता हूँ एच चलिए इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो डब्लू और इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं लाल कलर से बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए दैट इज रो आ, मरकरी है ना तो एच जी ओके कुछ समझने वाली बात है वो पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आप जरा मुझे सोच समझ के बताएंगे ध्यान से कि मैं अगर यहां पर एक पॉइंट लेता हूं वन और एक पॉइंट यहां लेता हूं टू डू यू रियली थिंक दैट बच्चा की पी वन इक्वल टू पी टू पहली बात क्या ये फ्लूड है yes, sir. क्या प्रेशर सेम वेरिएशन भी पढ़ चुके हो तो दोनों चीजें यहां पर अप्लाई होने वाले किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं टू पॉइंट इन साइड दिम्ब ऑफ दिस यू ट्यूब शेप वाला कंटेनर Do you really think इस एक का यहां से और इस टू का यहां से हाइट सेम है यस तो आप सोचो कि रोजियत रोजियत सेम हो गया और आप ये भी सोचोगे कि सर दोनों तो फ्लूड में है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा बट ये गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये भौतिक विज्ञान की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है क्यों?

हाँ हाइट सेम होगा तो प्रेशर सेम होगा तभी होगा जब भाई साहब दोनों की लिक्विड सेम होगी दोनों की लिक्विड की प्रॉपर्टी सेम होगी क्या ये दोनों सेम है नहीं सर जी एक लाल वाली है दूसरी ग्रीन वाली है तो सर सर दूसरी वाली तो आनंद क्या बोल रहा है मास्टर हां ठीक है कोई बात नहीं, नहीं। थोड़ी हंसी मजाक भी तो चाहिए हाँ तो ये लाल वाली और ये नीली वाली अपने को तो भाई साहब कोई भी चलेगी मतलब अरे इन सेंस इन द सेंस देखो मुझे पता है क्या सोच लिया बच्चा लोग अपने को तो कोई भी चलेगी इसका मतलब ये बच्चा लोग कि रेड वाली जो है और जो ग्रीन वाली है दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है अगर दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वी कांट राइट पी वन इक्वल्स टू तो पी टू नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट अगर मैं यहां लिखता हूं तीन नंबर और यहां लिखता हूं चार नंबर वी क्या पी थ्री है आंसर है यस दिस टाइम पी थ्री इक्वल्स क्योंकि पी, तीन नंबर का पॉइंट भी इसी में है और चार नंबर का पॉइंट भी उसी लिक्विड में है बट बहुत ध्यान से अपने को समझने वाली बात यह है कि अगर ये हाइट एच वन है बच्चों और यह हाइट आपकी एच है बच्चों तो पी थ्री इक्वल्स टू पी फोर में देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे पी थ्री का इक्वेशन क्या लिखेंगे तीन नंबर के पॉइंट पे तीन नंबर का प्रेशर क्या होगा क्या पी नॉट प्लस रोजी एच वन वट इज पी नॉट आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझना है वट इज पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर या पी लिख दे सकते हैं अच्छा पी फोर क्या होगा क्या पी फोर पे भी पी नॉट होगा बिल्कुल होगा ऊपर की तरफ प्लस यहाँ देखो रो लिखा यहां पे रो डब्ल्यू लिखना चाहिए वाटर का प्लस पी फोर पी फोर में आ जाएगा रो मरकरी जी एंड देन एच दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन <coughs> चमकीला 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 लागेला 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 चमकीला का मतलब समझ में आया क्या तो इस वाले इलिस्ट्रेशन से मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाहता हूं कि आपको कैसे पॉइंट्स लेने हैं और किन पॉइंट्स के बीच में क्या क्या ध्यान रखना है खैर ये तो छोटी सी बात हो गई मतलब अच्छी बात हो गई इसके साथ एक और चीज आप समझें एटमोस्फेरिक प्रेशर मापने वाले डिवाइस को बैरोमीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा लोग बैरोमीटर क्या होता है बैरोमीटर कुछ नहीं है कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर बायोमीटर के अंदर ना एक कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर मरकरी भरी होती है इस मरकरी के साथ साथ में अब अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट ले लूँ ये वन और टू तो क्या पी वन इक्वल्स टू पी टू आंसर है हाँ सर दोनों पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है बट जरा साथ ध्यान से लगा दिमाग लगा करके सोचो कि इस कंटेनर के साथ में अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह का एक ट्यूब ले लूँ तो आपको नहीं लगता मरकरी की जो खासियत होती है वो मरकरी की खासियत ये होती है कि वो थोड़ा सा इसके अंदर राइज कर जाएगा यानी कि ऊपर चढ़ जाएगा कौन

क्या पी वन की जगह पर पी नोट हां सर अच्छा क्या पी टू की जगह पर आपको लिखना चाहिए दो नंबर का पॉइंट ऊपर से देखो ऊपर तो कुछ नहीं है क्योंकि वैक्यूम है तो पी नोट है ही नहीं ये आपका हो गया सीधा सीधा रो जी एंड देन एच ये प्रैक्टिकल करा गया और देखा गया कि जो हाइट होती है मरकरी का इस तरह से वो 760 सौ mm होता है जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है और मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब होता है बच्चों तो नॉट निकाला गया गया और वो देखा टू पावर फाइव पासकल यूनिट्स को आप चेंज कर ही सकते हैं इतनी क्षमता इतनी ताकत इतना जिगर आप सभी बच्चा पार्टी के अंदर है क्योंकि आप सभी एस के बच्चा पार्टी हो एस के बच्चा पार्टी सो इन दिस वे बैरोमीटर वर्क्स कुछ खास नहीं था बट अगर बैरोमीटर आ जाता है कभी किसी सवाल में तो बच्चे घबरा जाते हैं कुछ नहीं होता है बैरोमीटर के अंदर मरकरी होती है ऊपर से ट्यूब डालते हैं मरकर ट्र करके ऊपर चढ़ जाती है दो पॉइंट नीचे लेते हैं नीचे वाले पॉइंट का ऊपर वाले पॉइंट के साथ प्रेशर का इक्वेशन देखते हैं और सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाता है क्या पिक्चर क्लियर है इसी तरह से एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं मैनोमीटर मैनोमीटर गैस का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर यूज मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कुछ भी नहीं है इसमें भी बट क्या है आपको पढ़ना बहुत जरूरी है नहीं तो क्या है बच्चे डर जाते हैं इस तरह से सेट अप है। अब इसके अंदर ना बच्चा लोग गैस भरा हुआ है और यहां पर ना मरकरी है ये, ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं ना ये मरकरी है।, है ये एक पॉइंट मान लो आप वन और ठीक इसके लेवल में यहां पर एक पॉइंट मान लो टू देखा गया मरकरी इतनी चढ़ गई करते क्या है कुछ नहीं इसी सेटअप को मैनोमीटर बोलते हैं ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना ये मैनोमीटर है गैस के कंटे गैस का ये कंटेनर इसमें गैस भरा हुआ है उसके साथ मैनोमीटर ला कर के दप करके जोड़ देते हैं और जैसे ही मैनोमीटर ला कर के जोड़ते हैं जैसे ही मैनोमीटर ला के जोड़ते हैं अरे वाह आप रोशन पड़ा हुआ मुझे लग रहा है तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है पर तुम लोग अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा टैलेंट है ये पढ़ाई के साथ साथ मैं बिक्री भी कर सकता हूँ है ना अरे वाह जादू तो पॉइंट वन और पॉइंट टू सेम सेम हाइट पे है तो पास कल ने कहा था कि दोनों को इक्वल कर दो मैं भी इक्वल कर दूंगा पापा स्पेस में उन्होंने मुझे सिखाया था जादू क्या हम पी वन के जगह पे इक्वल्स टू पी टू कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं ना क्या पी टू की जगह पर हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो ची हाँ क्या ये पीवन हमारे को चाहिए था हाँ गैस का प्रेशर है पे दैट्स इट इक्वल्स टू प्लस यानी कितने हाइट पर ये जाएगा कितने हाइट पर ये मरकरी चढ़ जाएगी उसी को निकाल लो भाई साहब और पीनोट से प्लस कर दो रोजीज इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ये पीवन आ जाएगा विच इज इनसाइड द कंटेनर एंड दैट इज द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस दैट्स इट यस तो ये हो गया आपका नोट बैरोमीटर एंड मैनोमीटर आगे अभी हम फटाफट कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह के इसके प्रॉब्लम आते हैं पर प्रॉब्लम को डील करने से पहले ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था सो टेक अ नोट फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग कुछ तो इसके लोगन भी देता हूँ ध्यान से देखते हैं मजे के साथ पढ़ते हैं आइए चलिए मिल करके करते हैं टी इज द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा लोग द काइंड ऑफ एनर्जी आइए चलिए देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन वर्मा जी की किताब से उठा रहा हूँ मैं वर्मा साहब को सत बार नमन है मेरा उन्होंने आईआईटी के बहुत सारे बच्चों का जीवन नरक भी किया है माफ करेगा ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ बट हाँ सच्चाई है नरक भी तो किया ही है ना ठीक है चलिए इस तरह से एक लिया हुआ है अरेंजमेंट दे रखा है इस अरेंजमेंट के अंदर एक साइड में हम ऑयल भर देते हैं तेल भर देते हैं यहाँ पर यहाँ से लेकर यह के बच्चों यहाँ तक ये मान लीजिए कि ये पूरा पोर्शन जो है वो ऑयल का है ओके और जो दूसरा लिम्ब है उसके अंदर हम पोर करने वाले हैं पानी तो ये जो है यहाँ से मैं थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट कर दूँ ब्लैक कर देते हैं तारी माटी माँ मरी जाओ आ, तारी माटी मा। इस तरह से ये वाला जो लिम्ब है इस लिंब के अंदर हम पानी भर देते हैं पानी यहाँ तक है ओके साथ ही साथ बच्चा लोग आपको इसके साथ साथ ये जो दे रखा है वो है 135 सौ mm एम और 12.3 दशमलव mm. ये देखिए ये जो ऑयल का है ये पोर्शन ये है 12.3 पॉइंट mm. और ये वाला जो पोर्शन है ये जो फ्री एंड है जो रेड वाला देख रहे हैं और जो ब्लैक वाला यहां तक आपको दे रखा है 135 थर्टी फाइव एम एम राइट आपसे पूछा यह है कि ऑयल की डेंसिटी बताएं यस दैट इज अ क्वेश्चन वट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल बिकॉज पानी का तो पता होता है सभी को एक ग्राम पर सेंटीमीटर रखियो बट ऑयल का हमें निकालना पड़ेगा तो अब क्या करें अब देखिए पहली बार जो बच्चा देखेगा उसके प्राण तो निकलने वाले कि यार ये क्या है बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे से है और आपने फिजिक्स को फील के साथ पढ़ा है आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट का डेफ्थ है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है आराम से कर सकते हैं देखिए कैसे ध्यान से देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो हमेशा एक इंटरफेस को ऑब्जर्व करें वॉट इज इंटरफेस इंटरफेस वो जगह होगी इस लिम के अंदर जहां पर दो लिक्विड आकर के मिल रहे होंगे मर्ज हो रहे होंगे तो ये है इंटरफेस यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर लो वन उसके ठीक सामने दूसरा पॉइंट कंसिडर करो टू और बार पास्कल का खेला लगा दो क्या पी वन इक्वल्स टू पी टू बिल्कुल कई बच्चे सोच रहे होंगे सर पी वन अब देखो पी वन जो है एग्जैक्टली ब्लैक वाले के पास एकदम पास में ये और ये रहा टू दोनों सेम ब्लैक वाले हैं दोनों पानी में है इसलिए टू अब, अब 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 ये जो वन है क्योंकि वो यहां पर है किसी हाइट पर है और वो हाइट आपको दिखाई दे रही है 12.3 पॉइंट थ्री प्लस वन और इसके ऊपर आपका पी नॉट भी है तो आप यहां लिखेंगे पी नॉट प्लस में रो जी एच एच की जगह पर मैं इसको एच वन मान लेता हूं और इसको एच टू मान लेता हूं मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा बच्चों मेरे थ्रू आउट द क्लास मैं आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने आया हूं मैथ्स का कैलकुलेशन करने नहीं बहुत टाइम भी जाएगा आप कैलकुलेट करते रहना P2 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 सोचो P2 क्या होगा P0 नॉट तो आएगा ही क्योंकि यहां पर प्लस रो G अच्छा रो क्या होगा रो ऑयल होगा uh, सॉरी रो वाटर होगा और ये रो ऑयल होगा ठीक है और एच एच की जगह पर क्या आएगा आपका ये एच टू होगा क्या चमचम चमकीला -चम बच्चा लोग अब आप मेरे उस मेथड को याद करें कि अगर मुझे इस टू पॉइंट का प्रेशर लिखना है हम नीचे आ रहे हैं डेफ्त में आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है शुरुआत यहां से किया तो एक नंबर पर प्रेशर पी नॉट था प्लस रो एच हुआ रो एच क्यों हुआ क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है आप इस तरह से याद करें ऐसे याद मत करना कि प्रेशर का जो इक्वेशन होता है डेफ्त के साथ वो रोजी एच होता है वरना गलत हो जाएगा कई बार क्या होता है आपको डिफरेंस पूछ लेता है इसलिए याद रखिए ये मैंने पी नॉट प्लस ही क्यों लिखा क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूं इस पॉइंट से नीचे जा रहा हूं यहां कर अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो मैं उसके ऊपर के के सभी पॉइंट्स एजेस का प्रेशर लिखूंगा तो ये एज था, ये एक सिरा था इस सिरे का प्रेशर पी प्लस नीचे आया में प्रेशर बढ़ गया तो हमारा मोच आया हुआ है नॉट से नॉट काट दीजिए रो ऑयल को सब्जेक्ट बना दीजिए हालांकि जी से जी भी कट जाएगा ठीक है अपॉन में एच वन प्लस में एच टू खतम खेला खतम खेला खत्म खेला खतम ठीक दूसरा एग्जाम्पल ले, ले। आइए बच्चा एक और एग्जाम्पल करते हैं आइए बच्चा एक और एग्जाम्पल करते हैं देखिए बच्चा 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 अच्छा ठीक है वाला ये डायग्राम बना देते हैं पहले आपके लिए बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाने लग गया है मास्टर ये भी आपके बर्मा जी का ही सवाल है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा आनंदमयी सवाल अब इसके अंदर उन्होंने क्या करा ही कि ये मरगरी भर दी है, है ना ऐसे मस्त ये मरगरी है बच्चे ये आपकी मरगरी है बच्चे और ये जो है आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं आप सुन रहे हैं विविध भारती आपकी मन की आवाज़ विविध भारती और यहाँ पर भी है विविध भारती ये आपका दिया हुआ है एच 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 नहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है विविध भारती ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये यह है, है एच वन और विविध भारती आपकी सेवा में हाजिर है साथ ही साथ कुछ और लोचा भी लग रहा है हाँ विभिद भारती सेवा में आपके हाजिर है चलिए हाँ ये वाला जो एजेस आप देख रहे हैं ये एच टू है आपसे कहता है एच निकाले ये है रो एच जी और ये है रो डब्ल्यू अच्छा इसको रो डब्ल्यू कर दो और ये है रो एच जी देखो डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चा चलो थोड़ा फनी वे में फिजिक्स पढ़ाता हूँ मेरी आदत है ध्यान से सुनिएगा पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं अरे एच वन एच टू और एच कुछ भी हो सकता है ना यार मैं तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ ना कुछ भी दे सकता हूँ ना एच वन एच टू एच आप डेटा कुछ भी लेकर ही करना सवाल को समझते हैं ये सिचुएशन है कि लिम्ब है नीचे जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं ना दैट रिप्रेजेंट्स द मरकरी मरकरी रखी हुई है मरकरी भरी हुई है और उसके ऊपर यहाँ पर भी पानी है कुछ पानी यहाँ पर भी डाल दिया है ये जो ये जो ऊपर वाली लेयर है और यहाँ वाली पानी की लेयर है उनके बीच का जो गैप है वो एच वन है ये मरकरी का एज और पानी का एज ये ये लेयर और ये वाला लेयर के बीच की हाइट एच टू है आपसे बोलता है ये निकालो एच इसकी डेंसिटी रो डब्ल्यू मानो और इसकी डब्ल्यू रो एच जी मानो क्या करें मैंने आपको क्या सिखाया है मैंने आपको ये सिखाया कि जहाँ पर एज हो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया जहाँ पर इंटरफेस हो वहाँ मान लो यहाँ पर भी बोलूँगा आप बोलोगे सर यहाँ तो इंटरफेस दो जगह पर है सर यहाँ भी है और यहाँ भी है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो दो इंटरफेस हो तो हमेशा उस इंटरफेस को लेना चाहिए जो सबसे नीचे हो जो सबसे बॉटम पे हो बॉटम पे कौन है ये वाली की ये वाली ये वाली तरीका समझे बच्चा लोग फिजिक्स को अगर पढ़ना है अच्छे से समझना है तो मेरे जो भी बोलता हूं उस चीज को नोट करते चले जाना आपको ये एक एग्जाम्पल दिखाया एक एग्जाम्पल दिखा है ये इससे और अच्छी वरायटी एग्जाम्पल होगा इस वेरायटी में क्या है सिंपल एक ही लेयर था तो बस यहां मान लिया इसमें दो दो इंटरफेस है ये और ये तो कहां मानना हमेशा उस इंटरफेस को पॉइंट दो जो सबसे बॉटम पे हो तो सबसे बॉटम वाले को नाम दे दिया वन हाँ, और इसके ऊपर वाले को नाम दे दिया बच्च बच्च बच 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 ये टू ए सॉरी इसके ठीक सामने ही मानने का ये टू क्या पिक्चर क्लियर हाँ आप सुनो क्या मैं लिख सकता हूँ पी वन इक्वीर्डिंग टू पास कई एग्जाम्पल्स में कर रहे हैं आंसर है इक्वेशन yes, तो लिखो इसके ठीक ऊपर क्या है बच्चों? तो पी नॉट है प्लस क्या है बच्चों? बच्चो w है प्लस जी इन टू एन दच्चो लो क्या है तो एच वन प्लस देखो ये एच और ये एच टू तो दिस इज गोइंग टू बी एच वन प्लस एच टू प्लस एच ओ हो 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 मजा आ गया सर जी इक्वल्स टू पी टू अरे गजब पी टू की जगह पर क्या आएगा बच्चों देखो उसके ऊपर ध्यान से देखो तो क्या यहां पर पी नॉट है जी 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 सर जी प्लस गलती मत करना एच हाइट तक आपका पानी है तो रो डब्ल्यू जी एंड एच साथ ही साथ बच्चों ये वाली जो हाइट है वो H2 है बट वहां पर तो हमारी काली वाली मरकरी है ना तो रो एच जी एंड देन जी एंड देन एच टू क्या अब आप इस इक्वेशन से आसानी से एच निकाल सकते हो आसानी से निकाल सकते हैं पी नोट ने पी नोट को मार दिया और तो और मेरे लाल जी ने जी को भी मार दिया है तो ये हो जाएगा रो डब्ल्यू एच वन प्लस रो डब्ल्यू एच टू प्लस रो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू सोच के देखो सो रो डब्ल्यू एच ओ हो एच से एच ही कट जाएगा हमारा आंसर क्या निकलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एच वन निकाल लो एच टू निकाल लो मैं आपको क्वेश्चन पूरा बता देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर हाँ सवाल मैंने गलत बोल दिया था एच टू एक सेंटीमीटर है और आपको एच वन निकालना है और कुछ दिया ही नहीं है हाँ एच टू आपका एक सेंटीमीटर है और एच वन आपको निकालना है मरकरी और पानी की डेंसिटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बस ख़त्म एच से एच तो मर ही जाएगा मैं आपको एच बोल रहा था सॉरी एच तो कट ही जाएगा एच तो निकलेगा ही नहीं अब वैसे भी निकालना चाहो तो एच वन निकाल के एच टू के किसी भी इक्वेशन में रख दो तो प्रेशर के साथ आ जाएगा सो तो रो डब्ल्यू एच प्लस रो एच जी एन देन जी एच टू तो ये ये कटीला तो बस आप यहाँ से एच टू या एच वन जो भी है वो निकाल लो सुन लो फिर से एच वन बराबर क्वेश्चन मार्क और एच टू बराबर एक सेंटीमीटर एच टू बराबर एक सेंटीमीटर और एच वन आपको कैलकुलेट करना है ये है मस्त दो एग्जांपल हो गए आपके इससे पहले भी आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन के साथ नोट्स के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दिए अब एक और थोड़ी डिफरेंट वराइटीज के लेते हैं बट बिफोर दैट प्लीज इसे नोट करें इसे नोट करें फिर अपने आगे बढ़ते हैं प्लीज नोट करें इसे आगे बढ़ते हैं नोट करें बच्चा लोग फिर, लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं नोट करें बच्चा लोग फिर अपने आगे बढ़ते हैं नोट करें बच्चा लोग फिर अपने आगे बढ़ते हैं नोट करिए बच्चा लोग फिर अपने आगे बढ़ते हैं चलिए यहाँ तक बात सर समझ में आ गई आनंद की अनुभूति मस्ती के साथ ठीक है ये हो गए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं शानदार एग्जाम्पल सरस मजानु एग्ज़ाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आनंद की अनुभूति वाला एग्जाम्पल क्या बोलते हैं बच्चा लोग मज़ा आ रहा है ना है ना हाँ सर मज़ा आ रहा है दिल से पढ़ा रहा हूँ भाई मज़ा तो आना चाहिए आपको अब अगर नहीं आ रहा है कसम उड़ान जल्दी की मिलूंगा कहीं पे भी तो भैंस वाला इंजेक्शन मार दूंगा मैं कसम उड़ान जल्दी की जहाँ मिलूंगा भैंस वाला इंजेक्शन मारूंगा बहुत तेज़ दर्द करेगा कमेंट करके इसलिए अच्छे से बोल दो हाँ सर आ रहा है देखिए एक और अच्छा सा सवाल मुझे दिख रहा है ये भी वर्मा जी का सवाल है वर्मा जी बी एम शर्मा डी सी पांडे इन सब की किताबें बहुत अच्छे से करिएगा बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब नॉट इन दैट सेंस कि सिद्धा डिट्टो डिट्टा आ जाए सर हम तो ये करके गए थे आपने बोला सर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सर आए नहीं अबे अब डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कॉन्सेप्ट आएंगे डेटा तो चेंज होगा ना यार ठीक है अब देखिए एक और एग्जाम्पल बढ़िया लाजवाब बहुत अच्छा सवाल है ये है कुछ नहीं बट सवाल अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है और जब कॉन्सेप्ट आप जो प्रॉब्लम्स मतलब जो भी आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड जब आप एग्जाम्पल करते हो ना बच्चों तो वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती है तो यही ये, ये एग्जाम्पल आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा यहाँ पे ऐसा ना एक प्लेटफॉर्म दे रखा है और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ना एक प्रस्टन है पिस्टन समझते हो पिचकारी वाला हाँ कुछ वैसा ही और बाकी ये ये जो भी आप देख रहे हो ये पूरा पानी भरा हुआ है या जो कुछ भी है लिक्विड भरी हुई है अच्छा सर लिक्विड भरी हुई आठ मीटर की हाइट पर है यहाँ से 600 किलोग्राम ये मास दे रखा है 600 किलोग्राम और ये ना आपका आठ मीटर है ये, इस तरह से आठ मीटर है कुछ और भी दे रखा है आपको साथ ही साथ में पच्चीस सेंटीमीटर स्क्वायर और आठ सौ सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्वियसली एरियाज़ दे रखे हैं पिस्टन के कुछ भी ले लेता हूं मैं चलो ना ये आपका पच्चीस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आठ सौ सेंटीमीटर का स्क्वायर ठीक है हम कुछ भी डेटा लेकर करें के करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सवाल क्या है? पहले हम वो देखते हैं सवाल आपका ये है सवाल आपका यह है कि व्हाट इज द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम और जो आप देख रहे हैं लिक्विड वो उसमें ऑयल भरा हुआ जीरो पॉइंट अठहत्तर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का इसके अंदर जीरो पॉइंट अठहत्तर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी भरी हुई है देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि भाई साहब ये छः सौ किलो का है अगर आप ये 600 किलोग्राम के सिस्टम को होल्ड करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लुइड देन ऑब्वियसली यू मस्ट अप्लाई सम फोर्स हाँ ये आदमी के लिए 600 किलोग्राम डायरेक्टली होल्ड करना बहुत तकलीफ होगा बट वो लिक्विड के थ्रू कर सकता है क्योंकि इसमें पास्कल स्लो लग जाता है देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है मैं आपको बोलूंगा 600 किलोग्राम उठा करके रखो या रिंगरे में लेकर के आपके प्राण निकल जाएंगे हो सकता है आपके हाथ भी चले जाए पहली बात कर ही नहीं पाएगा कोई भी आदमी यहां आदमी ऐसा जरूरी नहीं बट मशीन है आप देख सकते हैं कितना छोटा सा एरिया है पच्चीस सेंटीमीटर स्क्वायर और वो आठ सौ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये कैसे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में लिक्विड है प्रेशर रिमेन्स सेम किसने बोला था पासकर ने बोला था और अभी अभी हम हमने जितने भी एग्जाम्पल किए उन सभी में हमने ये देखा कि हमें हमेशा एज देखना चाहिए और बॉटम वाली एज देखनी चाहिए अब देखिए ये 600 किलोग्राम पे जाहिर सी बात है यहां से मैं जब तक इस पिस्टन से फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये होल्ड नहीं होगा अगर ये पिस्टन नहीं हुआ दबाग से नीचे आ जाएगा तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स कितना तो चलिए देखिए सोचते हैं कैसे करेंगे इसको अब हमने ये यहाँ पर एजेस देखा ये पॉइंट वन मार्क कर दिया ये पॉइंट आपका टू मार्क कर दिया वन के ऊपर मशीन नहीं है ये प्लेटफॉर्म है कोई फ्लूड नहीं है मशीन गलत बोला मैंने पॉइंट वन के ऊपर फ्लूड नहीं है बच्चा फ्लूड बिल्कुल भी नहीं है प्लेटफॉर्म है तो एक नंबर पे जो प्रेशर होगा ना वो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्रेशर होगा दैट इज एम जी बाई ए मैं इसको ए वन मान लेता हूँ एरिया ए वन और इसकी एरिया को ए टू मान लेता हूँ ठीक है अब देखिए एम जी बाई ए वन क्या पिनॉट आएगा ना आई पिनॉट कब आएगा भाई अरे जब फ्लूड होगा तब ना पॉइंट ए के ऊपर फ्लूड है क्या नहीं प्लेटफॉर्म है छः सौ किलोग्राम का या कोई सिस्टम है जिसको आपको होल्ड करके रखना है अच्छा इज इक्वल टू दो नंबर पर देखो फ्लूड है हाँ बिल्कुल है फ्लूड बिल्कुल है बच्चों क्या इसके साथ साथ में और भी कोई चीज यहां पर है एरिया भी है एरिया भी है और इस पिस्टन का भी मास दे रखा होगा अच्छा पिस्टन का मास नहीं दे रखा है तो अब दिमाग लगाए मास नहीं दिया है मैंने सोचा मास दिया होगा तो मैं वहां पे भी लिखता आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना क्योंकि इसका भी कुछ अगर मास होता तो मैं एमजी बाई ए लिखता बट मास नहीं है अरे बट इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है ना तो आप यहां पे लिखेंगे एफ बाई ए की जगह पर ए प्लस रो ऑयल जी एंड देन एच दिस इज योर डिजायर्ड इक्वेशन एफ फाइंड करना था आप समझे इस बात को एम जी बाई ए वन लिखा क्योंकि मेरे पास मास नहीं था भाई साहब मास था भाई साहब तो एम जी तो लगेगा ना फोर्स अपॉन दैट इज प्रेशर और इस तरफ अगर मैं दो नंबर के ऊपर देखता हूं तो पहली बात फ्लूड है और अगर फ्लूड है मेरे बच्चा तो फ्लूड की वजह से जो प्रेशर का इक्वेशन आता है वो रो जी एच आता है अगर तुम ऐसे सोचो तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है तो एफ अपॉन में ए प्लस रो रोजी एच प्लस क्यों हुआ क्योंकि आप डेफ्त में जा रहे हो और गहराई के अंदर जाते हैं तो हाइट बढ़ता है ये रहा इक्वेशन सारी वैल्यू दे रखी है आप निकाल लो खत्म करो कमेंट करके जरूर आंसर बताएं इसकी वैल्यू क्या है मैं नहीं करा रहा कमेंट करके जरूर बताएं चार ऑप्शन दो ऑप्शन दे देता हूं एक ऑप्शन है तीस न्यूटन दूसरा ऑप्शन है इकतीस न्यूटन बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है ये सब बिल्कुल छोड़ेगा मत कर लीजिए इसको भी उतार लीजिए यह हमारे लिंब वाले भी क्वेश्चन हो गए आप स्क्रीन लो या जो भी है वीडियो को इसको भी उतारो अच्छे से फिर अपने आगे बढ़ते हैं ठीक उतारिए आइए कुछ और बातें समझते हैं ठीक है कुछ और बातें समझते हैं आज की जो भी क्लास में आप सीखे हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके इलिस्ट्रेशन भी आप देखते जा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके सामने होते जा रहे हैं अब आइए एक और बहुत ही शानदार और एक सुंदर सा एग्जाम्पल आपके सामने रखने जाता हूँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना इस चीज को बहुत अच्छे से समझना हमारे पास ये कंटेनर है बच्चा लोग उसके अंदर फ्लूड भरा है बच्चा लोग ठीक कंटेनर है कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है फ्लूड ये फ्लूड रेस्ट पर है कंडीशन वन रेस्ट पर है फ्लूड एट रेस्ट आप मुझे एक बात बताओ कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर का क्या होगा जनरली ये हमारे लिए एक्स होगा और ये हमारे लिए वाई आई वॉन्ट टू आस्क यू कि वट विल बी द प्रेशर वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या दिस इज गोइंग टू बी जीरो सिंपल है सोच समझ कर जवाब देना क्या डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हाँ बिल्कुल अरे क्योंकि वो चली नहीं रहे ना यार जब चल ये भी छोड़ दो आप चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपको ये चीज क्या क्या समझा रहा हूँ मैं क्योंकि आगे प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा इस लेक्चर के बाद जब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आएंगे तो ये पूरा हमें डेरेवेशन भी करना है इस चीज़ को समझना भी है बट आज आपको थोड़ा ब्यौरा देना ताकि आपको फील आ जाए इस चीज को ध्यान से समझिए कि अगर एक कंटेनर के अंदर फ्लूड भरा हुआ और कंटेनर को मैं चला ही नहीं रहा हूं एक्स डायरेक्शन में तो डी पी बा टू जीरो मीनिंग ऑफ डी पी बास डी बाई डी एक्स का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स चल ही नहीं रहा है भाई साहब रेस्ट पे है तो कुछ नहीं होगा बट बच्चो बट बच्च बट बच्च बट बच बच बच्च डीपी बाई डीवाई इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा क्या डीपी बाई डीवाई मतलब हाइट में वेरिएशन तो ये हो सकता है प्लस माइनस रो जी एच अभी तुम्हें डिसाइड करना है रोजी ये डीवाई इधर आएगा तो वही प्लस माइनस हो जाएगा मतलब डीवाई टू एच हो जाएगा ना यू हैव टू डिसाइड ये कब प्लस और कब माइनस क्या ये मैंने सिखा दिया है सोच अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं वन और मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं टू तो अगर मैं लिखूं कि डीपी बराबर मेरे सवाल के अंदर डीपी बराबर अगर मैं पत्र से बोलू बच्चा पी वन माइनस पी टू तो सोच के देख पी वन माइनस पी टू बराबर आएगा माइनस रोजी एच जो भी इनके बीच का हाइट अगर एच दिया है तो चमचप चमकीला अगर ऐसा बोलता कि भाई मेरे लिए डीपी बराबर पी टू माइनस पी वन है ये पी टू माइनस पी वन का क्या मतलब है पी टू माइनस पी वन का मतलब है कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना बच्चा लोग पी वन माइनस पी टू का मतलब चेंज इन प्रेशर कहाँ से कहाँ तक वन से टू तक का हम ऐसे चल रहे हैं पी वन माइनस पी टू एक्चुअली ये जो डीपी होता है इसका मतलब क्या होता है चेंज इन प्रेशर इसका मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल तो पी वन माइनस पी टू कब आता है जब आप पी टू से पी वन पर जाते हो इतना कंफ्यूज मत होना सिंपल तरीका डेफ्थ में जाएंगे हाइट बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा डी पी फाइनल माइनस इनिशियल पीटू माइनस पी एन का क्या मतलब है कि आप ऐसे आए ट्र खम यानी हमें यह बात याद रखनी है कि फ्लूइड अगर रेस्ट पर होगा फ्लूइड अगर रेस्ट पर होगा बच्चा पार्टी तो एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा प्रेशर में बट अगर फ्लूइड वेरी कर सॉरी फ्लूइड रेस्ट पर है और वाई डायरेक्शन की बात करता हूं तो प्रेशर में प्लस माइनस हो सकता है दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आपको कौन से दो पॉइंट के बीच का प्रेशर चाहिए 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 कंडीशन नंबर टू ओ क्या ये चल भी सकता है हा सोच समझ के एकदम जैसा बोल रहा हूं उस चीज को सोच समझ के सुनना जब भी ये एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन करता है फ्लूड मूविंग इन एक्स डायरेक्शन बहुत ध्यान से सुनना तो जो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला है डेल्टा पी या फिर डीपी जिसे भी आप कह दीजिए उसका इक्वेशन होता है बच्चों, रो जी एंड देन एक्स रो जी h तो था ही ना यार रो जी एक्स टेंशन मत लो। एक घंटे का ही लेक्चर बनाना है मुझे इसीलिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं नेक्स्ट क्लास में इसे प्रूफ करेंगे और बहुत सारे सम्स देखेंगे बट पहले समझ लीजिए कब कहां कैसे अप्लाई करते हैं ताकि अगली क्लास के अंदर सवालों के साथ हम और डील करने लग जाए है ना फील के साथ रो जी एक्स ये प्लस भी हो सकता है बच्चा और माइनस भी हो सकता है नाउ द क्वेश्चन इज कब कहां पर प्लस और कहां पर माइनस तो ध्यान से समझें इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सारी चीजें प्रूफ होंगी बिल्कुल घबराए मत आज एकदम अच्छे से याद कर लीजिए इस बात को मन मंदिर में बसा लीजिए जीवन काल के अंत समय तक इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज डिक्रीजेस एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन प्रेशर डिक्रीजेस सॉरी इंक्रीजेस क्या ये आपको फील आया समझना इस बात को मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं तीन और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ए बराबर चलो किसी भी वैल्यू ए से हाँ किसी भी वैल्यू ए से अच्छा एक और चीज मैंने रोज ही एक्स लिखा है थोड़ा और फील कर लो रोज ही कब आता जब आप ऊपर नीचे वैरी कर रहे हो अरे ये तो एक्स डायरेक्शन है ना तो जी थोड़ी आएगा ए आएगा मैं क्या कर रहा हूं पता चल रहा है मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूं मैं सिर्फ एडिटिंग कर रहा हूं और यही एडिटिंग की खासियत आपके अंदर भी पनपनी चाहिए यही फिजिक्स है बच्चा फील के साथ समझ लो मैंने क्या किया मेरे को थोड़ी कुछ याद करके थोड़ी आया मैं रटा थोड़ी हूं क्वेश्चन देख रहा हूँ बस और ये करते जा रहा हूं ये रो ए एक्स मैंने कैसे समझा अरे यही तो क्वेश्चन है यार रो जी एच ही तो है डेंसिटी डेंसिटी रहेगा अरे जी कब आएगा ऊपर नीचे जाओ तो ना ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है फिर एक्स हो गया एच की जगह पर काम खत्म अब क्या बोला मैंने उस चीज को समझे जिस डायरेक्शन में प्रेशर है वहां के हर पॉइंट की प्रेशर की वा... जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वहां के प्रत्येक बिंदु की पॉइंट एवरी ऑल द द आर ऑन साइड ऑफ एक्सीलरेशन वहां के जगह वहां पर हमेशा प्रेशर कम होगा प्रेशर डिक्रीज होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा अच्छे से शब्दों में लिख दूं वरना आप कंफ्यूज रहेंगे अब इस चीज को ध्यान से समझना ये वैल्यू है आपकी सपोज एक्स अगर हम लिखना चाहते हैं पी टू माइनस पी थ्री क्या ये डेल्टा पी है यस yes. अब पी टू माइनस पी थ्री लिख रहे हो आप इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो यहां एच पी होगा यहां एल पी होगा तो ये आंसर आपका माइनस रो ए एक्स होगा दैट्स इट अगर आप P2 टू माइनस सही तो लिखा है नहीं गलत है प्लस रो एक्स होगा क्योंकि यहां पर प्रेशर लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर यस बच्चा पहली बार आप देख रहे हो इसलिए आपको लिए थोड़ा सा लगेगा कि यह क्या है बट एक बार अच्छे से समझ लोगे तो फिर हमेशा याद रह जाएगा जिस तरफ प्रेशर है उस तरफ का प्रेशर हमेशा कम होगा जैसे डेफ्थ के साथ गए तो प्रेशर बढ़ रहा था एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे तो प्रेशर घटेगा खत्म जिस पॉइंट की तरफ आप जा रहे हो अगर वो पॉइंट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो वहां का प्रेशर कम है बच्चों खत्म अच्छा तो अगर मैं पी थ्री माइनस पी टू लिखूँ तो पी थ्री क्या है लो प्रेशर और पी थ्री क्या है हाई प्रेशर है कम में से ज़्यादा घटाओगे तो आंसर क्या होगा माइनस रो एक्स दैट्स इट क्या चमचम चमकीला -चम इस चीज को अभी हमने न्यूमेरिकल के अंदर भी अप्लाई करेंगे बट अभी पहले बताइए क्या फील के साथ आनंद की अनुभूति आ गई हाँ कंडीशन टू तो फ्लूड मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन ये चीज हो गई अब कंडीशन थ्री भी देख लो अब आप समझ ही रहे होगा कि मैं क्या बताऊंगा थ्री अब इसी फ्लूड को हम कराएंगे in y direction. अब ये ऐसा हो रहा है, तो इसके अंदर वाई डायरेक्शन बच्चा जब ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा कौन हमारा ये फ्लूड तो उस समय आपका डेल्टा पी वापस प्लस माइनस रो जी एच ही होगा बट एक चीज ध्यान से समझना तब जी जी नहीं होगा जी इफेक्टिव होगा और ये जी इफेक्टिव जी प्लस ए भी हो सकता है जी माइनस ए भी हो सकता है बड़ी सिंपल सी बात अगर फ्लूइड ऊपर की तरफ जाए ट्र तो जी प्लस ए लेना और अगर फ्लूइड नीचे की तरफ जाए तो जी माइनस ए लेना मूविंग अप एंड मूविंग डाउन पढ़े हो ना? जब कोई चीज ऊपर जाती है तो सीडो फोर्स कहां लगता है ट्र नीचे तो एम जी प्लस एमए और एम जी माइनस एमए कब लगता है जब वो चीज नीचे आ रही है तो एम जी नीचे लग जाएगा एमए ऊपर लग जाएगा रिजल्टेंट आपका ही होगा अब तुम अभी डरो मत खाली ऐसा याद रखो जी इफेक्टिव जी प्लस जी माइनस ऊपर होगा तो फिर प्लस अप प्लस अब प्लस अप प्लस डाउन माइनस डाउन माइनस डाउन माइनस खत्म ठीक है तो ये हमारा हो गया डेल्टा पी रो जी इफेक्टिव एंड देन एच इसमें भी वही बात है कि जब हम इस पॉइंट की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन की तरफ चलो मैं ये चार नंबर का पॉइंट ले लेता हूं आपको पूरा लिख करके बताता हूं ध्यान से मान लीजिए कि ये वैल्यू है आपकी एच सोच समझ के जवाब देना अगर मैं लिखता हूं पी फोर माइनस में पी थ्री किसकी वैल्यू ज्यादा है ये लो प्रेशर है क्योंकि वो एक्सेलरेशन की तरफ है और ये आपका क्या है हाई प्रेशर है ठीक है अभी आप बोलोगे सर ये तो अभी लो था अरे वो लो तब है जब आप एक्स में देख रहे हो अब ऊपर देखोगे तो फिर ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर कॉन्सेप्ट वही है चाहे एक्स डायरेक्शन में जाए चाहे वाई डायरेक्शन में जाए हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ का प्रेशर हमेशा कम होगा तो फिर ये चार नंबर का कब है कम में से ज्यादा आंसर आएगा माइनस 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 रो ऊपर जा रहा है ना तो जी प्लस में ए और फिर एच ये आपका आंसर दैट्स इट अब पूरे लेक्चर को रिकॉल करो पूरे लेक्चर्स को मैंने प्रूफ नहीं कराए हैं अगली क्लास के अंदर हम इसको प्रूफ के साथ समझेंगे बट मैं वहाँ प्रूफ कराऊँगा इतना पेपे नहीं करूँगा बिकॉज आप आज आज के क्लास में मैंने आपको क्लैरिटी दी है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है और कैसे इक्वेशन को डील करना है रो ए एक्स कब लेना है रो जी इफेक्टिव एच कब लेना है डेफ्थ के साथ क्या होगा और डेफ्थ के ऊपर अगर मतलब किसी गहराई कि में फ्लूड के ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होगा ये सारी बातें आपके अंदर मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसी होनी चाहिए अब सारी बातों को एक साथ ध्यान से सुने पूरी कहानी को मैं एकदम कंठस्थ करके आपको सुनाता हूँ कि आपको मैंने क्या क्या पढ़ा है पीछे जाके चेक करता हूँ कि कैमरा मेरा रुक तो नहीं गया बहुत बार मेरे साथ ऐसा मेरे चैनल पर हो चुका है अब ध्यान से सुने

कि लो का यूज कैसे करते हैं मस्त सुंदर सी किया सेल्टोस वाले लेकर आपको था कि कैसे लो का यूज होता है आज की क्लास मैंने स्टार्ट किया आज की क्लास मैंने सीधा आपको स्टार्ट की है कि डेफ्त के साथ प्रेशर वेरिएशन के साथ के साथ प्रेशर वेरिएशन मैंने आपको सिखाया कि अगर हाइट के साथ जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू जो होती है बढ़ती है और अगर ऊपर रहता है तो प्रेशर की वैल्यू घटती है इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिए बहुत सारे एग्जाम्पल के बाद मैंने आपको यह सिखाया कि अगर फ्लूड अगर रेस्ट पे तो एक्स्ट्रा में कुछ नहीं होता बट वाइट के अंदर प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू वैसे ही चेंज होती है जैसे हमने पहले सीखा था बट अगर 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 फ्लुड रेस्ट पर नहीं है फ्लुड अगर चल रहा है एक्स डायरेक्शन में ट्र तो फिर उसका इक्वेशन लगाएगा और आपको हमेशा बात याद रखना डायरेक्शन ऑफ के अंदर ही प्रेशर की वैल्यू हमेशा कम होती है और उसके डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है इसी तरह से वाई डायरेक्शन के अंदर भी फॉर्मुला जो होता है डेल्टा इक्वल टू रो जी इफेक्टिव एंड देन एच होता है खासकर अपने को ध्यान रखना है कि फिर से की तरफ के प्रेशर क्या होता है कम होता है उसके डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है बच्चा पार्टी इसी बात पे फटाफट लाइक शुरू कर देना ठीक है सो थैंक यू सो मच आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास इसे मैं डरा नहीं रहा ऐसे इस तरह से बोल करके फास्ट इतने सालों से पढ़ा रहे हम लोगों को याद रहता है यार प्रैक्टिस की जरूरत होती है मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से कंठस्थ मंत्र की तरह आपके दिमाग के अंदर भी फिजिक्स होनी चाहिए और आनंद की अनुभूति आनी चाहिए सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें आपको हमारी टीम जो है जरूर रिप्लाई करेगी एंड हाँ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बहुत ही सुंदर सा एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप आसानी से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं वो एप्लीकेशन आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल यू मॉम टेक केयर बट चलो बाय थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास